हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट बताने वाली हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो कलर ले लिए हैं और मैंने ये 9 नंबर सिलाई ली हुई है। इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। दोनों कलर की वूल को फोल्ड कर लिया है और फोल्ड वूल से आपको मैं बताऊँगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो जिस डोरमेट को हम बताने वाले हैं आपको, आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, डोरमेट की जगह या टेबल मैट की जगह। टेबल मैट की जगह भी आप इसे बहुत ही अच्छा लगेगा, टेबल मैट की जगह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और बनाना इसको बिल्कुल ईजी है, बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फंदा डालेंगे। तो फंदा मैं यहाँ पे 28 फंदा ले लूँगी, 20 और 8 फंदे से मैं इसको बनाऊँगी। आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे डाल के इसको यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से अपना 28 फंदा डाल के कंप्लीट करते हैं और इसके आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो आप भी फंदा डालिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिंक कलर से 28 फंदे ले लिए हैं, ये देखिए। आप इसको 30 फंदों से, 40 फंदों से इस तरह से बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने 28 फंदे लिए हैं और ये देखिए, आप दोनों में से कोई भी कलर से फंदे डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से डाल सकते हैं। और इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी आराम से इसे बना सकते हैं। अगर आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से बना रहे हैं तो 28 फंदे का भी ये काफ़ी बड़ा बनके आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वूल से बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको बड़ा चाहिए, तो आप 30 फंदे या 40 फंदे का बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको शुरू से ही बताएंगे किस तरह से हमने बनाना है। सबसे पहले हम पहली सिलाई को इस तरह से बुन लेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए, सभी फंदों को मैं यहाँ पे बुन लेती हूँ। और भी मैंने अपने चैनल में काफ़ी डिजाइनर डोरमेट डाले हुए हैं और लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें भी डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें भी गोपाल जी की डाली हुई हैं, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सभी फंदों को बुन लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने फंदे डाल के एक सिलाई अपनी बना ली है। इसके बाद मैं यहाँ से अपना इसमें डिजाइन शुरू करूँगी एक सिलाई बनाने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले फंदे को हम उतारेंगे और आगे का फंदा बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 फंदा मैंने बुन लिया है और 10वें फंदे पे हम ये देखिए यहाँ पे जाली बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, धागा अपनी तरफ है, जाली बनाते हुए मेरा फंदा भी बढ़ गया है और जाली भी बन गई है। ये देखिए, ये सीधा फंदा आएगा। अब यहाँ पे हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब अपनी तरफ करने के बाद यहाँ से हम 3 फंदा अपना बुन लेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 3 फंदा मैंने बुन लिया है। अब यहाँ से हम लास्ट के जो फंदे छोड़े हुए हैं ये सब, अब इनको हम इसी तरह से 3-3 फंदा लेते हुए जाएंगे। ये देखिए, 3 फंदा मैंने ले लिया है, यहीं से मैं टर्न कर लेती हूँ अपना। आगे का मैंने 3 फंदा ही बुना है, यही ध्यान रखना है आपने। और यहाँ पे उल्टी सिलाई को इस तरह से बुन लेना है।
बीच में हमारा सर्कल बनेगा और यहाँ पे लास्ट में ये हमारी झालर बनती हुई जाएगी, जिसमें हम चारों तरफ झालर बनाएंगे नौ फंदे की। अब ये देखिए, यहाँ पे हम इधर से मैंने ये फंदे को बुन लिया है और इधर की साइड में फंदे को सिलाई के ऊपर से उतार लूँगी और यहाँ पे आगे का फंदा बुन लूँगी। तो दो हो चुके हैं, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ फंदे हमने बुने थे पहले। अब यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ चुका है, तो बढ़ा हुआ फंदा हम इसी में अपना ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब दसवां फंदा भी हम इसको उल्टा बुन लेंगे और यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, धागा अपनी तरफ है और जाली हम बना देंगे इस तरह से। और तीन फंदा हमने बुना था, इनको हम बुन लेते हैं तीन फंदों को, और तीन फंदा हम जो छोड़ा हुआ है आगे से ले लेते हैं। ये देखिए, एक, दो और ये तीन, और यहीं से हम टर्न हो जाते हैं। उल्टी सिलाई को बुन लेते हैं पूरा उल्टा, इसमें कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई को पूरा इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम हैं फिर से सीधी सिलाई पे, यहाँ पे हम दो फंदा अपना बढ़ा चुके हैं और दो जालियाँ, ये देखिए एक, दो, और छह फंदा हमने आगे का तीन तीन करके ले लिया है। अब ये देखिए, फिर से हम यही करेंगे, दो, तीन, चार, पिछली सिलाई पे दस फंदे बुने थे और तीसरी सिलाई पे हमने नौ फंदा ही बुना था जो हमने शुरुआत की है, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस, और ग्यारहवां फंदा फिर से बढ़ा हुआ। तो दो फंदे यहाँ पे बढ़ चुके हैं, नौ फंदा हमने बुना था। अब ये देखिए, ध्यान यही रखना है हमने, यहाँ पे हम इसी तरह से जाली बनाएंगे अपनी, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, उसके बाद छः फंदे को बुन लेते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और तीन फंदा आगे से ले लेते हैं, एक, दो, तीन, और यहीं से अपना टर्न हो जाते हैं। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चौथी सिलाई को बुन रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना चौथा फंदा बढ़ाएंगे, ये देखिए, दो, चार, पाँच, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये बारह, बारह फंदे हो चुके हैं। और तेरहवां फंदा हम ये बढ़ा लेते हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, और तीन फंदा आगे से ले लेंगे, एक, दो, तीन। अभी हम दो सिलाइयाँ और बुनेंगे और ये छः फंदे हमारे लास्ट के रह गए हैं, अभी इन छः फंदों को भी इसी तरह से बुनेंगे। तो ये हम उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करेंगे, पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। और यहाँ पे ये जो फंदा बड़ा हुआ है, इसको भी हम इसी तरह से उल्टा बुनेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अब अपनी एक, दो, तीन, चार, पांचवी सिलाई को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, और चौदहवां फंदा ये हो चुका है। आगे के फंदे सभी को हम बुनेंगे। ये देखिए, बारह फंदा मैंने बुन लिया है और यहाँ पे हम लास्ट में फिर से तीन फंदा अपना
बना लेंगे। ये देखिए, और तीन फंदे अभी बाकी हैं बनाने, और यहीं से टर्न कर लेते हैं, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं। तो उल्टी सिलाई मैंने बना ली है, फिर से मैं सीधी सिलाई पे हूँ। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये बारह, ये बारह, तेरह, चौदह और ये पंद्रह। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः सिलाइयाँ बना ली हैं और छः फंदे मेरे बढ़ चुके हैं, और छः ही मैंने यहाँ पे ये देखिए फंदा बढ़ाते हुए जाली बना ली है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल ये सीधा जाएगा हमारा इसी तरह से, और लास्ट के अभी तीन फंदा बाकी है बचा हुआ, उनको भी हम बनाएंगे इसी तरह से। लास्ट में तीन फंदा है, अब ये भी हम ले लेते हैं इनको भी। ये देखिए, एक, दो और ये देखिए तीन। अब यहीं से टर्न हो जाते हैं, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं। तो उल्टी सिलाई को हम बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट के ये सब तीन तीन फंदा करके सभी को बना लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ये देखिए छह फंदा बढ़ा लिया है। अब छह फंदे मैं यहाँ पे अपना झालर के लिए घटाऊंगी इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह फंदा मैंने अपना बुन लिया है। अब ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, नौ फंदा हमारा, ये नौ फंदा ही हमारा फिर से रह गया है। और जो ये फंदा है हमारा, इसको हम इस तरह से सीधा बना लेंगे, ये देखिए, और धागा अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट के जो सभी फंदों को हम इस तरह से बुन लेते हैं, और उल्टी तरफ से अपना अपना इसमें टू कलर लगाएंगे हम, यानी कि अपना दूसरा कलर। और बनाएंगे सेम तरीके से इसी तरह से जो ये आपको पहली पत्ती बताई है, उसी तरीके से सभी डोरमेट पूरा यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। ये देखिए, अब क्या है, क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम हैं उल्टी सिलाई पे, तो उल्टी सिलाई पे हम अपना इसमें टू कलर लगा देते हैं। कलर आपको जो भी पसंद है, अपना अपनी पसंद का कोई भी इसमें लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, 28 फंदों को सभी को हम बुन लेंगे इस तरह से कलर लगाते हुए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो उल्टी सिलाई मैंने बना ली है, मैं हूँ सीधी सिलाई पे। अब ये देखिए, यहाँ पे हम 10 फंदों में अपना झालर इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, और 18 फंदे का मेरा यहाँ पे बीच में सर्कल बनेगा, जिसमें मैंने ये पत्ती बनाई है। सेम उसी तरीके से ऊपर भी हमारी ये पत्ती बनती हुई जाएंगी। बनाने का तरीका सेम रहेगा, जिस तरह से नीचे से बनाया है सेम उसी तरीके से हम उसको बनाएंगे। ये देखिए, दो, सॉरी, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। अब फिर से हम अपना जाली बना देते हैं फंदा बढ़ाते हुए। ये देखिए,
इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। आगे का फंदा हम तीन बना लेते हैं, दो तीन, और यहीं से टर्न हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं पूरा डोरमेट अपना कंप्लीट करूंगी। जितना बड़ा हमारा ये बनेगा उसी तरह से हम इसको पूरा बना के अपना कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम इसको बनाते हैं इसी तरीके से, और इसके बाद आपको फिर दिखाएंगे। बनाने का तरीका सेम रहेगा, जिस तरह से मैंने शुरुआत से बताई है आपको, सेम उसी तरीके से पूरा हम बना के कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही जल्दी बनके ये कंप्लीट होता है, और बनने के बाद काफ़ी सुंदर भी लगता है। टेबल की तरह यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो बढ़ते हुए जाएंगे अपना झालर में, उस फंदे को ऐड करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमने वो फंदे घटा देने हैं यहाँ से। ये देखिए, तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको इसी तरह से। इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं।